अब बात बाढ़ और उसकी त्रासदी की। मेघ का घनघोर गर्जन दे रहा नदियों को जीवन, पर यही जलदान उसका कहीं बन टूटा कहर है। खेत डूबे, गांव डूबे और डूबी ये धरा है। बाढ़ में बेबस बेचारा हाथ जोड़े बस खड़ा है। बाढ़ की तस्वीरें सुखद नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें विनाश साफ झलकता है, लोगों की मजबूरी दिखती है। और बिहार में तो ये सब कुछ इस मौसम में हर बार दिखता है। बिहार के दरभंगा जिले में अब अधवारा समूह की नदियां उफान पर इस वक्त हैं और नतीजा ये है कि बांध टूट रहे हैं, उनमें रिसाव हो रहा है और इलाके के गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देखिए किस तरह से जल की धारा से पूरा सुशासन हारा है। बिहार के दरभंगा जिले में अधवारा समूह की नदियों ने हुड़दंग मचाया हुआ है। केवली प्रखंड के बिरने गांव में पूर्वी बांध करीब 10 फीट तक टूट गया, जिससे तेजी से पानी गांव की ओर जाने लगा। गांव वालों के सहयोग से प्रशासन ने इस बांध की मरम्मत का काम शुरू किया। समय रहते बांध की मरम्मत के कारण कई गांवों को डूबने से बचा भी लिया गया। उधर हायाघाट और बहेड़ी के कई गांवों को बाढ़ ने डुबो दिया है। लोग घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। बरछिया गांव में बने तटबंध पर भारी दबाव के कारण कई जगह पर रिसाव हो रहा है। अगर ये बांध टूटा तो हायाघाट, बेनीपुर और कुशेश्वर के कई गांव जलमग्न हो जाएंगे। यहाँ पर टूट रहा है, बांध नहीं रहा है, पाई कौड़ी नहीं दे रहा है, हम लोग सब भूख मर रहा है, पन्नी तन्नी सब कुछ नहीं है, घर द्वार सब दा जाएगा, दोनों बगल पानी है, कैसे मनुष्य रहेगा। पहले गांव वालों ने खुद ही बांध को बचाने की कोशिश की, जिसमें नाकाम रहे। बाद में बाढ़ नियंत्रण के इंजीनियरों ने तटबंध पर मोर्चा संभाला। इस बार बाढ़ का पानी रिकॉर्ड जल स्तर पर है। तटबंध की स्थिति बहुत ही दयनीय है, इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो हम लोगों का डिजाइन सेक्शन है उसमें फेल कर गया बांध, समझे, इसीलिए इतना ज्यादा पाइपिंग और सीपेज हो रहा है। जो भी हो रहा है उसको बचाने के लिए सारे इंजीनियर ठेकेदार लोग तत्पर हैं, कहीं भी कोई घटना घटने की संभावना नहीं है। लोग अपने मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। अतिक्रमण की वजह से बांध पर मरम्मत का काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगर पानी बढ़ना जारी रहा तो इलाके में बड़ी तबाही आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दरभंगा की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, आप ये मत सोच लीजिएगा कि बिहार के बाकी इलाकों की तस्वीर कुछ इतर है। लगभग सभी जगह कुछ ऐसे ही हालात इस वक्त बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तुरंत, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।